भारत ने मई 2016 में एनएसजी की सदस्यता की अपील की। तब से लेकर अब तक चीन अड़ंगा बनता रहा। चीन का कहना है कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत की एंट्री तभी हो सकती है जब तक समूह में परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी के गैर सदस्य देशों की भागीदारी को लेकर स्पष्ट योजना तैयार नहीं की जाती। चीन लगातार कह रहा है कि परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देशों को ही संगठन में शामिल किया जाए। एनएसजी में कुल 48 सदस्य हैं। ये संगठन वैश्विक परमाणु मामलों को नियंत्रित करता है। भारत और पाकिस्तान एनपीटी पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में नहीं है। भारत के बाद चीन के कहने पर पाकिस्तान ने भी 2016 में इसका सदस्य बनने के लिए आवेदन किया। हालांकि परमाणु के क्षेत्र में भारत का रिकॉर्ड काफी साफ सुथरा है, जबकि पाकिस्तान शुरू से ही संदेह के घेरे में रहा है। परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी में भारत के हस्ताक्षर न होने की वजह से चीन भारत की मांग को मानने से इनकार करता रहा है। एनपीटी में हस्ताक्षर करने वाले देश सिर्फ ऊर्जा जरूरतों के लिए ही यूरेनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी देश को एनएसजी का हिस्सा बनाने के लिए सभी 48 सदस्य देशों में आम सहमति बनना जरूरी है। ऐसे में अकेले चीन की असहमति भी भारत को इस एलीट ग्रुप में शामिल होने से रोक सकती है। करीब करीब बाकी सभी देश भारत को सदस्यता देने के पक्ष में हैं। एनएसजी के सदस्य देश आपस में आसानी से परमाणु व्यापार कर सकते हैं। परमाणु शक्ति होने के नाते भारत इस संगठन में शामिल होने की मांग करता रहा है। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश भारत की मांग का समर्थन कर रहे हैं। संस्थापक देशों के अलावा सिर्फ फ्रांस ही बिना एनपीटी में हस्ताक्षर किए एनएसजी में शामिल किया गया है। भारत सरकार का तर्क है कि अगर फ्रांस को बिना शर्त एनएसजी में शामिल किया गया तो उसे भी संगठन का हिस्सा बनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट।